आज हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ, कैसे शिक्षा मानव के जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिक्षा के सामान्य परिचय से। परिचय की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है, यानी अगर आप शिक्षित हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप में एक अच्छे व्यक्तित्व की झलक मिले। शिक्षा में जो है अनेक जो है वो चीज़ों का समायोजन होता है, जैसे ज्ञान का होना, उचित आचरण का होना, तकनीकी दक्षता का होना, शिक्षण और विद्या प्राप्ति संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमारा शिक्षा में उसका समायोजन होता है, जो कौशल के विकास में, व्यापार के विकास में, मानसिक एवं नैतिक विकास में जो है शिक्षा का अहम जो है वो योगदान होता है। आगे हम लोग बात करें तो शिक्षा जो है वो जीवन के प्रत्येक पक्ष से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जो है वो हमारा संबंधित होता है, उसका हमारे जीवन से गहन संबंध होता है। व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष शिक्षा से जुड़े होते हैं। आप किसी भी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो शिक्षा हर क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई पड़ती है। शिक्षा मनुष्य के विकास का एक साधन है, एक जरिया है, जिसके द्वारा जो है हम मानव अपनी शक्तियों का विकास करते हैं, अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं तथा अपने बिहेवियर में जो है वो चेंजेस लाते हैं और स्वयं को जो है सभ्य बनाना, सुसंस्कृत बनाना एवं योग्य नागरिक बनाए जाने के लिए लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। आगे हम लोग बात करें तो शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएँ हैं जो हमारा निम्नलिखित है। पहला है कि शिक्षा जो है वो मानव के विकास का प्रयास है, यानी मानव के विकास का एक कोशिश है जो हम लोग शिक्षा के माध्यम से जो है वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। यह एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग इन द सेंस क्या, अगर आपको अगर अच्छे शिक्षा अगर मिलती है तो आप अच्छे शिक्षा के माध्यम से जो है उच्च जो है वो कौशल का जो है वो सृजन आपके अंदर हो सकता है। शिक्षा जो है हमारा ये मार्ग प्रदर्शक, यह हमें जो है मार्ग दिखाता है, आगे का रास्ता जो है वो हमें प्रदान करता है और शिक्षा के माध्यम से हम लोग जो है सकारात्मक रास्ते पर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा जो है वो समग्र अभिवृद्धि का जो है वो माध्यम है। अभिवृद्धि का मतलब शारीरिक अंग तथा मानसिक शक्तियों का हमारा विकास जो है वो शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। ये हमारा जो है वो बिहेवियर का भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी अगर हम लोग शिक्षित होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है उसमें भी हमारा जो है एक बदलाव देखने को मिलता है। शिक्षा जो एक प्रभाव है, यानी शिक्षा के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को आप जो है उसमें परिवर्तन जो है वो लाने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से लगभग किसी भी क्षेत्र में जो है आप उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को यथासंभव जो है वो उसमें कोशिश कर सकते हैं कि इसमें बदलाव की गुंजाइश लाई जाए। तो ये था हमारा शिक्षा की एक अवधारणा, संकल्पना। आगे हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा जो है वो हमारा शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या पढ़ाना। और शिक्षा शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो एजुकेशन शब्द जो है वो हमारा, उसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसको अगर हम लोग विभाजित करें तो ई का अर्थ होता है अंदर से, यानी इनसाइट, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो इस तरीके से अगर हम लोग शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करें तो बालक की जो संपूर्ण जो आंतरिक जो शक्ति है, जो उसका जो इंटरनल जो पावर है और उसके जो गुण हैं, उसका जो है सर्वांगीण विकास होना,
यानी शिक्षा क्या करता है, तो बालक के सर्वांगीण विकास में जो हमारा अहम योगदान निभाता है। तो शिक्षा जो है वो व्यक्ति के चार पक्षों को जो है वो विकसित करता है, और ये चार पक्षों को हम लोग जो है 4H के नाम से जानते हैं। 4H का मतलब पहला है हमारा हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ, यानी बच्चों के मस्तिष्क का विकास होना, उसके हृदय का विकास होना, उसके स्वास्थ्य का विकास होना और उसके हाथ का विकास होना। तो हमारा जो है मस्तिष्क के विकास से हमारा जो संदर्भ है कि बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होना, बच्चे चीज़ों के बारे में सोचे, उसे समझे, उसमें दूरदर्शिता है यानी उसमें परसेप्शन है, वो इमेजिन कर पाए चीज़ों को वो तर्क करना सीखे, उसका इवैल्यूएशन करना सीखे, समस्या का समाधान करना सीखे। और जब ये सारी बातें बच्चा जब सीख लेता है, बच्चा जब सीखना शुरू कर देता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है। आगे हम लोग बात करें तो हार्ट का विकास होना, यानी बच्चा जो है भावात्मक पक्ष का जो है वो सोच, यानी उसमें जब भावना का विकास होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे में जो है वो शिक्षा का संचार हो रहा है। जब उसमें व्यावसायिक क्षमता का विकास, जब जो है वो व्यवसाय से जुड़े कार्यों में जब वो अपनी संलिप्तता दिखाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें शिक्षा का संचार हो रहा है। और अंतिम है हमारा कि उचित स्वास्थ्य का विकास होना, यानी शिक्षा के माध्यम से बच्चों का अगर स्वास्थ्य जो है अगर हमारा सही है, चाहे वो शारीरिक रूप से जो है बच्चे की स्वास्थ्य अगर हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का जो है वो विकास जो है वो हो रहा है, यानी शिक्षा का सही अर्थ में जो है हमारा वो बच्चे के विकास से ही संबंधित है हमारा। आगे हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है उपनिषद के अनुसार देखते हैं। उपनिषद कहता है कि शिक्षा वो है जिसका प्रमुख साधन मुक्ति है, यानी शिक्षा को जो है वो उपनिषद जो है वो एक मुक्ति का मार्ग जो है वो समझता है। कौटिल्य कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना होना। विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा जो है मानव में निहित दैविक पूर्णता की अभिव्यक्ति है। आगे महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें, तो शिक्षा से जो है उनका अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले जो सर्वोत्तम गुण हैं, उसका सर्वांगीण विकास ही जो है वो शिक्षा का जो है वो हमारा अर्थ है। अगर हम लोग पाश्चात्य विचारकों के अनुसार अगर हम लोग बात करें, तो अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो है वो निर्माण है। स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा जो है वो पूर्ण जीवन है, यानी आप अपने पूरे जीवन के सफर में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो सीख रहे होते हैं। कांट कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, यानी आपकी जो भी कैपेसिटी है, आप जिस भी फील्ड में आप कुछ कर सकते हो, तो वही जो है हमारा क्या है, तो शिक्षा है। तो आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि असल में शिक्षा का कौन कौन सा रूप है, किन किन रूपों के माध्यम से हम लोग जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच।